बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिफ मकसूद भट, फाउंडर प्रेसिडेंट अबीदीन कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राम एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तानी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस, क्यों ज़रूरी है, कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, और पेशेंट और डॉक्टर का जो गैप है क्या वो इस कम्युनिकेशन की ही वजह से बढ़ गया है, क्या हमारी कम्युनिकेशन के जो फ्लॉज हैं वो मजबूर करते हैं पेशेंट को कि वो खिड़कियां तोड़ दे, हमारे ऊपर हाथ उठा दे, या कुछ और वजूहात हैं कि वो हम उस उनको एड्रेस नहीं कर पाते। तो मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर अरशद जमील का, ऑल द वे फ्रॉम यूके हमें क्रोस्पोनिंग कर रहे हैं हमारे साथ, और ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं और हमारे 2002 शिनजांग मेडिकल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, और माशाल्लाह एमआरसीपी ग्लासगो, एमआरसीपी यूके, और करंटली हेलिंगटन जो हॉस्पिटल है लंदन में वहाँ पे एज एक्यूट मेडिसिन एसपीआर अपना काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम डॉक्टर आसिफ, थैंक यू फॉर जस्ट इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। आपसे जो हमारा सिनेरियो डिस्कस हो रहा था इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर, तो हम बहसियत डॉक्टर्स हम ये सोचते हैं कि हम डॉक्टर्स बन गए हैं और हमारा अब पेशेंट के साथ इतना ही तलक है कि हमने उसको देखना है, उसकी कुछ अद्वियात उसको जो है वो तजवीज़ करनी है, उसको फिर फॉलो अप पे बुलाना है, एंड यहाँ पे हमारा उसका रब्ता ख़त्म हो जाता है। क्या हमने कभी इन पैरामीटर्स के अलावा भी कोई पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हमने मुलाहिजा किए या नहीं किए? क्या हम अच्छे केयर गिवर हैं, क्या अच्छे लीडर हैं, क्या अच्छे रिसर्चर हैं, क्या हमारे अंदर जो है कुछ इम्पोर्टेंट रिलीजियस फैक्टर्स मौजूद हैं, क्या हम अच्छे किस्म के जो कम्युनिकेटर हैं क्या हम हैं या नहीं हैं, और पब्लिक हेल्थ की डोमेन को हम कितना समझ पाए हैं? क्या हम क्लिनिकल तो अच्छा है हमारा, लेकिन ये जो पब्लिक हेल्थ है और इसका क्लिनिकल के साथ कम्युनिकेशन की वजह से जो स्ट्रेंथन करते हैं इस दोनों लिमिट्स को, तो इसके बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ, बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आज आप डिस्कस करने लगे हैं, और व्हाइल वर्किंग थ्रू मैनी हेल्थ केयर सिस्टम्स आई वर्क्ड इन पाकिस्तान, स्टार्टेड फ्रॉम लाइक हाउस ऑफिसर ओवर देयर, फिर मैंने जीपी प्रैक्टिस भी की वहां पे, मेडिकल ऑफिसर बीइंग रजिस्ट्रार मेडिसिन ओवर देयर, देन आई मूव्ड टू सऊदी अरेबिया, आई हैव वर्क देयर एज प्राइमरी हेल्थ फिजिशियन, फिर मैं हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो गया, फिर आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन एक चीज जो मुझे सारे हेल्थ केयर सिस्टम्स को ऑब्जर्व करने के बाद जो मुझे फील हुई, जैसे हम लोग अब यहाँ पे यूके में काम कर रहे हैं, जो हमारे पास यूके में कोई मैंने कभी नहीं देखा कोई आके किसी ने शीशे तोड़े हो, किसी ने डॉक्टर का गरेबान फाड़ा हो, इवन सऊदीया में भी नहीं देखा कि किसी ने आके मेरा गरेबान पकड़ा हो कि आपने मुझे सही से ट्रीट नहीं किया या कुछ ऐसा किया। सो देन आई रियलाइज व्हाट्स द फैक्टर बिहाइंड इट। जैसे हमारा ला सिर्फ किताबों की हद तक है, इसी तरह डॉक्टर्स के पास एथिक्स जो हैं वो सिर्फ बुक्स की हद तक हैं। वो सिर्फ हमारे लिखे हुए जरूर हैं कि हमने पेशेंट को ऐसे मैनेज करना है, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री मैनेज करनी है, उसको कन्विंस करना है, उसको एक्सप्लेन करनी है, उसके डायग्नोसिस डिफरेंशियल्स उसको बताने हैं, उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना है, बट प्रैक्टिकली वी आर नॉट डूइंग दैट। इसी वजह से उसका जो नटशेल जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है कि डॉक्टर्स और कम्युनिटी में गैप बहुत बढ़ गया। वो डॉक्टर्स को एक पैसा कमाने वाली मशीन समझते हैं। इसी की बेस पे हमारे डॉक्टर्स के साथ लड़ाई झगड़ा जदोकोप करना, गाली गलौज देना, और मीडिया का उस पे एक रोल है कि डॉक्टर्स डिस्पाइट गिविंग ऑल सॉर्ट ऑफ सर्विसेज, हम एक जो है करप्ट नेशन के तौर पे मतलब कि एक माफिया बन चुके हैं उनके सामने। खला जरूर है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी की तरफ से, हम लोगों पे वो इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं है, लेकिन मैं जो बात करूंगा मैं वो करूंगा इंडिविजुअल अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैं ये नहीं करूंगा कि गवर्नमेंट को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, हेल्थ
कैसे, ये एक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बहुत डिफरेंट अप्रोच चली जाती है हमारा डिफरेंट अप्रोच हमारा मैं आपको एक एक बताऊं कि हमारा जो पेशेंट है ना, एक पेशेंट वो आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग्स हैपन, बट मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको कम्युनिकेशन के ऊपर ही कसूरवार ठहराऊंगा कि वो मल्टीपल जो हेल्थ केयर फिजिशियंस हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके पास जाता है और देन वहाँ से वो मेडिकेशन भी होती हैं प्रिस्क्राइब, वो बल्कि परचेज भी करता है मोस्टली, दिस इज अ यूनिक थिंग कि वो परचेज भी करते हैं एंड देन वो फिर एक वक्फे के बाद जो है वो दोबारा एक और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास और देन करते करते अब ये सारी चीजें क्या डेवलप कर रही हैं। डेफिनेटली जब वो तरह तरह की पेशेंट्स प्रिस्क्रिप्शंस ले रहा है और एक ही मर्ज को चेक कराने के लिए, मैंने एक छोटा सा सर्वे किया था तो आई रियलाइज के एक पेशेंट एटलीस्ट 3 to 4 फिजिशियंस के पास जाता है टू कंफर्म हिज डायग्नोसिस। ऐसे बात पता क्या है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे इसी सिनेरियो में आपको दोबारा बताता हूँ। एक एक पेशेंट चेस्ट पेन के साथ है, एक गांव में रात को उसको चेस्ट पेन होना शुरू हो गई। सबसे पहली अप्रोच उसकी क्या है कि जो गांव के इलाके में जो भी उनके पास डॉक्टर साहिबान है, जो बेसिकली हम डिस्पेंसर्स जितने भी वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, कोई नर्स उनके पास अवेलेबल है, मेल या फीमेल नर्स है, उन्होंने उनका अप्रोच किया। जो हकीम साहब है उनको अप्रोच किया गया तो उन्होंने कह दिया कि ये चेस्ट पेन है। तो चेस्ट पेन को जाहिर बात है हर बंदा एक खौफ की अलामत समझता है कि जी हार्ट अटैक हो गया। तो अब उस पूरी फैमिली के जेन में एक बात बैठ गई कि हार्ट अटैक है, एक डायग्नोसिस तो वो घर से लेके निकले। अब वो उसी हार्ट अटैक को इमरजेंसी की सूरत में आ गए हॉस्पिटल में। अब आप पेश आप डॉक्टर हैं, आपने रियलाइज कर लिया यार यंग पेशेंट है, उसका स्कोर इतना ज्यादा वो मतलब के जैसे हम स्कोरिंग करते हैं कि जी उतना ज्यादा वो कार्डियक रिस्क फैक्टर्स उसमें नहीं है, फैमिली हिस्ट्री प्रोमिनेंट नहीं है, थिन लीन पेशेंट है, डजंट लुक लाइक दैट इट्स कार्डियक इवेंट। आप वहां पे अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, आपने रियलाइज कर लिया डजंट लुक लाइक कार्डियक सॉर्ट ऑफ थिंग, मस्कुलोस्केलेटल है, लेकिन जो बैरियर है उनके जेन में एक फिक्स था कि इसको हार्ट अटैक है और आपने ECG करके उनको कह दिया कि जी इसको कुछ नहीं है। और पेशेंट अब उनके जेन में वो उस वक्त तक बात नहीं खत्म होगी, उन्होंने कहना जी कि ये जूनियर डॉक्टर है, इसको कुछ पता ही नहीं था, कंसल्टेंट्स को दिखाएंगे, रिपीटेडली मैरियस कंसल्टेंट्स को दिखाएंगे। अब बैरियर कहाँ पे है, बेसिकली आपने डिग आउट नहीं किया कि वो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर पोस्ट ट्रामेटिक था, स्ट्रेस इंड्यूस्ड पेन थी या मसल पेन था, तो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा था। अब इसका फैक्टर क्या हुआ, वो मल्टीपल फिजिशियंस के पास पेशेंट जा रहा है, अब वो उसकी वो बेसिकली जो 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 खतरा है उसके जेन में वो कोई उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा। अब ये अगर रूट लेवल पे इंडिविजुअल डॉक्टर, मैं हर उस डॉक्टर से मुखातिब हूँ खुदारा जो हाउस ऑफिसर से, तरबियत वहां से खराब हो जाती। आप DHQ के लेवल पे काम कर रहे हैं, आप नॉन टीचिंग सेटअप में हैं, तो आपको एक मतलब के बता दिया जाता है कि यार नॉन कॉर्डिक चेस्ट पेन है, ठीक है बस इसको जाने दो। कैसे जाने दो यार, उसको एक्सप्लेन करो बिठा के, उसके फैमिली मेंबर्स को एक्सप्लेन करो कि मैंने आपकी ECG कर ली है, मुझे ECG में कोई एविडेंट फाइंडिंग नहीं मिली कि कार्डियक पेन है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि आपको कल नहीं हो सकता, कल की बात डिफरेंट है। अनदर चेस्ट पेन डोंट कोरिलेटेड दैट दिस मस्कुलर पेन विल बी सेम मस्कुलर पेन फॉर होल ऑफ योर लाइफ। सही, मे बी टुमारो यू विल हैव चेस्ट पेन रिलेटेड टू द कार्डियक सॉर्ट ऑफ थिंग, लेकिन जो अभी का पेन है मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं। अब ये एक्सप्लेनेशन फेयरली स्पीकिंग मैं आपसे पूछता हूँ, आपने भी सेटअप में काम किया है, अपने गृहबान में झांक के देखें कि कितने हाउस ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो इस जिमन में चेस्ट पेन, एक सिंपल सी एग्जांपल है, हाउ मेनी पीपल एंड हाउ मेनी फैमिलीज यू आर जस्ट गिविंग देम कॉन्फिडेंस कि जिस मरीज के साथ आप आए अब ऐसा नहीं है। खुदा की कसम अगर आप उन्हें ये एक्सप्लेन कर देंगे ना वहां पे, दिल नेवर गो टू एनी कंसल्टेंट्स। अच्छा, एक फैक्टर में आपसे आप यहां पे आपसे वो डिस्कस करूंगा कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हैं जो हमारे पेरिफेरी से आते हैं या दूर दराज इलाके से आते हैं तो हम उनको बॉदर नहीं करते कि वो कहाँ से आए। हम एक वॉकिंग पेशेंट लेते हैं और उनको कहते हैं कि ठीक है जी ये आप चले जाएं। But I think we must consider the distance any patient traveled from. के हो सकता है कि जब even emergency में patient आया है या OPD में patient आया है तो while अब जब उसको
मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और उसका एक ट्रैवल डिस्टेंस 2 घंटे का है या 1 घंटे का है, तो आपने आसिफ जो मैंने 3 दिन की दवाई दे दी और उसके साथ मैंने उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया कि जो मैंने सबसे अच्छी जो मैंने सबसे अच्छी हिस्ट्री टेकिंग देखी है दैट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन यूके. यू आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन सोशल हिस्ट्री कि आपके घर में कौन है, आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, आपका केयर गिवर कौन है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है. इतना कुछ पूछा जाता है सोशल हिस्ट्री की जमीन में कि आपने पेशेंट को सोशली भी प्लान देना है कि अगर आप इंडिपेंडेंटली मोबाइल नहीं है तो आपका कौन केयर गिवर है जो आप उसको एक दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड कर लें. इतना सफर जिसे आप बात कर रहे हैं, वो एक बंदा इतना सफर तय करके आपके हॉस्पिटल में आया है और उसको आप कह रहे हैं कि जी आपका तो एडमिशन बनता ही नहीं, आप जाएं. अब रात के 3 बजे आप उस बंदे को वापस भेज रहे हैं. सो लॉट ऑफ फैक्टर्स और कहां से डिग आउट होते हैं इफ यू विल टेक हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू प्रॉपर पैरामीटर्स. अगर आप उसकी हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस के साथ उसकी पास्ट हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सबको रूल आउट नहीं करेंगे और उसकी फैमिली मेंबर्स को कन्विंस नहीं करेंगे प्रॉपरली रिगार्डिंग हिज करंट इलनेस, तो वो तो बैरियर होगा, वो तो शीशे तोड़ेंगे. सही है, ठीक है. अच्छा, ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारे पास कंसीडरेशन के पैरामीटर में कि हम क्या कुछ उसको कंसीडर करना चाहिए. अच्छा, कर्टसी के ऊपर हम बात करेंगे कि आप व्हाट यू थिंक जो हमारी कर्टसी टुवर्ड पेशेंट्स होनी चाहिए. हम बहुत सारी दफ़ा इवन मैं मुझे खुद मेरे बहुत सारे कोलीग्स कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा यू नो पेशेंट के साथ जो है ना वो लीनिएट हो जाते हैं और उनको आप काफ़ी यू नो पोलाइट वे में बात करते हैं, इतना पोलाइट ना हुआ करे कि पेशेंट जो है ना वो फिर ये यू नो इरिटेट करते हैं आपको, तो इसको आप क्या लेंगे कि क्या हमें कर्टसी को कहाँ लिमिटाइज करना चाहिए इस कर्टसी को कि क्या सिर्फ एक बात है, जब आप डॉक्टर बनते हैं ना तो सिर्फ मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है, लोगों को सिंपैथी भी चाहिए, लोगों को आपका दिलासा भी चाहिए. जिसका कोई वेरी क्लोज जिसकी डेथ हो जाती है आपने उसको दिलासा भी उसी अंदाज में देना है. सो व्हाट यू थिंक एक सॉरी यहीं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, मैं अक्सर मेरा एक्सपीरियंस इस चीज में मैंने देखा है के बाबा उठे बैठ जाओ, ओ मासी ओ माजी ओ वहां बैठ जाएं, ओ इथे क्यों आए हो. तो मैं ये आई विल नेवर फॉरगेट वन इवेंट. दिस काइंड ऑफ मैं एक इवेंट यहां पे जरूर कोट करूंगा. एंड माय लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर प्रोफेसर डॉक्टर ईस्ट मोहम्मद विद होम आई वर्क्ड. पता नहीं वो कहां पे हैं, लेकिन एक वाकया इसी जिम्मन में जो आप मुझे बता रहे हैं, एक पेशेंट हमारे पास शाह जी एडमिट हुए थे, इस ऑलमोस्ट 12 इयर्स बैक, मैं जब रजिस्ट्रार था सरगोधा में, तो वो एडिक्ट थे, रात को वो रोजाना वार्ड से गायब हो जाते और वो सुबह आते थे प्रोफेसर साहब से पैसे लेने के लिए. प्रोफेसर साहब के पास आते, थोड़ा सा रोते गिड़गिड़ाते कि मैं मर गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं. प्रोफेसर साहब उसे 100-200 रुपया देते कि अपनी दवाई ले लेना और वो रात को रोजाना करके, मैं रात को वार्ड में होता था तो मैं बड़ा गुस्सा करता कि सर ये रोजाना आपने पैसे लेने के लिए आ जाता है और फिर ये चला जाता है. तो मैं उसको हर तीसरे दिन डिस्चार्ज कर देता. एक दफा क्या हुआ कि ओपीडी में वो बंदा दरवाजे पे आया और मैं प्रोफेसर इधर बैठे हैं और मैं सामने वाली चेयर पे बैठा हूँ. तो मैंने जब देखा ना दूर से कि शाह जी आ रहे हैं, तो मैंने कहा शाह जी जाओ जाओ आज कोई इलाज नहीं है, जैसे हम लोग कहते हैं. तो मेरे जेहन में ये था कि जी शाह जी तो फिर उसी चक्कर में आ गए कि अब ये 2 दिन दाखिल हो के यहाँ से इजीली ये रात को निकलेंगे, अपना चर्च पर जो भी लेके आएंगे एडिक्शन पूरी करेंगे और दैट्स ऑल. तो मैं जब ये लफ्ज जिस तरह आपने बोला ना कि बाबा जी बैठ जाओ उधर, तो मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा शाह जी चलो बस जाओ आज कोई इलाज नहीं है यहाँ पे. तो मुझे प्रोफेसर साहब ने रोक दिया, कहते हैं बेटा क्या कह रहे हो. मैंने कहा सर ये आपको पता तो है इतने रिपीटेड एडमिशंस हैं, वी आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग, वी आर ट्राइंग टू डिग आउट के कुछ है. वो हमेशा मलीना की कंप्लेंट करते थे और मुझे आज तक याद. तुमने कहा मेरा बेटा एक बात याद रखना, शायद इसे पहले कभी ना हुआ हो,
लेकिन अभी इसकी एक्चुअल कंप्लेंट हो, खुदा पकड़ेगा तुम्हें? आप किसी मरीज की कंप्लेंट को कैसे छोड़ सकते हैं कि क्या पता उसने पहले झूठ बोल लो, लेकिन अभी जब आया है तो उसमें एक्चुअल कंप्लेंट हो। आपने अभी तो नहीं देखा, आपने पिछली वाली को कोरिलेट कर लिया खुद से ही। यही हमारी सबसे बड़ी नुकसान, मतलब हमारे जेनों में एक अजीब चीज बैठ गई कि एक बंदा 3 मरतबा चेस्ट पेन के पास आपके पास आया और आपने देख लिया, जो मैंने आपसे पहले बात की कि वो मस्कुलोस्केलेटल है, ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड है चेस्ट पेन, और जब वो चौथी मरतबा आ रहा है तो आपने पहले ही कह दिया कि ये चेस्ट पेन ऐसे ही है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप में सबसे जो जरूरी चीज है वो होनी चाहिए पेशेंस, कि पेशेंट जितनी मरतबा आया यू शुड हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू कन्वर्सेशन। आपको ये करना ही करना है। अगर आप नहीं करते तो आप उस इस फील्ड का हिस्सा नहीं है, आप पाकिस्तान के बड़े प्राउड डॉक्टर्स का हिस्सा हैं। अच्छा, फिर आप कम्युनिटी को सर्व नहीं कर सकते। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, हम लास्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे अराउंड 5 मिनट्स, के जो हमारी कन्वर्सेशन है, मुझे आज भी याद है प्रोफेसर डॉक्टर मलिक मुबशिर साहब का, मैं आई एम वेरी ऑनर टू बी हिज स्टूडेंट। तो मेरा फर्स्ट डे था, तो मुझे उन्होंने, मैं एक्चुअली टाई पहनता था तो लगाया करता था टाई को, तो बट वो फर्स्ट डे में टाई लगाना, मैंने कहा कैजुअल जाते हैं पेशेंट्स वगैरह। उन्होंने मुझे राउंड के बाद, जब राउंड हो गया सारा, तो उन्होंने बाहर आके तो मुझे कहा कि आसिफ कल आपने टाई पहन के आनी है। मैं कहा यस सर। तो कहते हैं कि जैसे आप मरीज को देख रहे हैं, मरीज आपको देखता है, तो ये जो है वो बायलेटरल है, ये दोनों तरफ से है। ये आप, तुम ये मत समझो, ये आप मत समझें कि जो है ना मरीज ने सिर्फ आपको देखा है, आपने सिर्फ मरीज को देखा है और आप अलामतें देख के आ गए। उन्होंने कहा कि आपकी शख्सियत को सर से लेके पांव तक मरीज देखता है और वो रजिस्टर करता है, वो आपको समझता है कि किस कैपेबिलिटी का डॉक्टर है, क्या तोलता है पूरा आपको, आपको मुआवजना करता है, आपको वजन करता है। और देखें आसिफ भाई, हाउस ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ये आपको पता है। एक चाचे रहमत के लिए आप डॉक्टर ही हैं, चाहे आप हाउस ऑफिसर हैं या आप कंसल्टेंट हैं, वो छोटा बड़ा डॉक्टर तो आपको कह सकता है। सेकंड, एक एग्जांपल और आपके साथ कोड करूंगा, आप इस पहले वाली एग्जांपल को, एग्जांपल नहीं है, इट्स अ लाइफ एक्सपीरियंस एक्चुअली हमारे हैं। इस लाइफ एक्सपीरियंस को आपने इसके ऊपर कमेंट करना है। सेकंड कमेंट, मैं आपको एक, आई एम आल्सो ऑनर टू बी द स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर गयासुद्दीन भट्ट। तो एक दफा एक पेशेंट था, एक पीजी थी, वो वहाँ पे जो उसके बेड के थे, तो उन्होंने राउंड के दौरान उस पीजीटी को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये कौन है इसका इंचार्ज ना, तो उनका थोड़ा सा था कि ऐसे करके ना, तो उन्होंने कहा कि उसकी जो बेसिकली फॉलीज थी, कैथेटर था, वो गंदा हुआ होता ना, तो इट वाज वेरी मडी बिकॉज वो प्री रीनल पेशेंट था, एजोटीमिया का पेशेंट था, तो उसको डिस्चार्ज, पसी डिस्चार्ज काफ़ी हो रहा था, तो उसका कैथेटर काफ़ी ख़राब था। तो उन्होंने वो बात की और वो बात, बिलीव मी, इट इज़ बीन नाउ अबाउट 13 ईयर्स, यानी 2006 की 2007 की बात है, और आज 14 साल हो गए हैं और अभी तक वो ऐसे ही मेरे जहन में एम्बोस्ड हुई हुई है कि इस बेड पे अगर आपका बाप होता, माँ होती, बहन होती, बेटा होता, तो क्या इसका कैथेटर ऐसे ही गंदा होता। तो वो बात मैं अक्सर जगह पे कोट करता हूँ और इन वीडियोस का भी बनाने का मकसद यही है कि हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल बात ठीक की है जी। और पहले एग्जांपल, पहले एक्सपीरियंस पे, और
सेकंड एक्सपीरियंस से मुझे दोनों चीजें अपनी जगह पे बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। देखें, डिपेंड ये करता है कि हर बंदे की शख्सियत एक जैसी नहीं होती सर, हर प्रोफेसर का स्टाइल डिफरेंट होता है, हर बंदे का पेशेंट इवेल्युएशन का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को भी फॉलोअर बने, किसी को कॉपी करें, लेकिन अपनी शख्सियत में एटलीस्ट चेंजेस जरूर लाएं। मैं ये समझता हूँ कि अपने आप को जरूर अपना एक तजकिया करें, आप खुद देखें कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। किसी की अच्छी चीजें हैं जरूर, हमारे सीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनका एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, ब्रॉड एक्सपीरियंस है, उन्होंने पेशेंट्स देखे हुए हैं। प्रोफेसर तो एक मिनट में बता देगा कि यार चेस्ट पेन कार्डियक नहीं है, आपको टाइम लगेगा। आप प्रोफेसर ना बने, आप हाउस ऑफिसर हैं, तो अपनी लर्निंग को करने के लिए एटलीस्ट, या आप जीपी हैं, एक बात में अपने जीपी जितने भी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं जो जो मुझे सुनेंगे, आप लैग कर जाते हैं अपने क्लिनिकल स्किल्स जब आप टर्शरी केयर से या आप टीचिंग वाले सेटअप से बाहर जाते हैं। आपके पास हर फीवर टाइफाइड हो जाता है, हर टेम्परेचर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन निमोनिया हो जाता है। आप इन टच रहें, एटलीस्ट कुछ ग्रुप्स बनाएं, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस कुछ उनके साथ शेयर करें, अपने पेशेंट्स से शेयर करें। और प्लस दूसरी चीज है प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट्स को कन्विंस करें, खुदा रा जीपीस के लेवल पे, छोटे क्लिनिक्स के लेवल पे, पेशेंट को, उनकी फैमिलीज को। एक एक बात मेरे माइंड में आ रही है, सॉरी मैं आपको बार बार इंटरप्ट कर देता हूँ, कि पब्लिक सेक्टर में तो चले एक रूल्स एंड रेगुलेशन की कदगन लगी रहती है कि गवर्नमेंट पॉलिसी है कि जो आएगा इस दौरान हम उसको, हालांकि वहां पे भी एक अपॉइंटमेंट सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है, एक रेफरल सिस्टम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और जो हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड लेवल्स अचीव होते हैं तो उसमें भी वो करना चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेटअप में जो हमारे फैमिली फिजिशियंस हैं, आई थिंक वो तो एक अपॉइंटमेंट स्केजुअलाइज कर सकते हैं कि हमने हमने वो एक15 minutes उन्हें पता है कि अब आईबीएस तो सबसे मुश्किल कल्चर तो ऑप्ट करना पड़ेगा ना, बट कल्चर तो ऑप्ट करना पड़ेगा। देखें, इसके लिए सिस्टम चाहिए, इसके लिए उसको भी हम डेक्लोन लगा रहे हैं और उसको उसको भी हम इसके लिए गवर्नमेंटल लेवल पे मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए। जब आपको पता हो ना कि आप गलती करेंगे और आपकी जीएमसी कैंसिल हो जाएगी, और आपको अगर सऊदीया में है तो 10-10 लाख रियाल जुर्माना होगा, आप सारी जिंदगी नहीं गलती करेंगे। इसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और ये गवर्नमेंट, ये बड़ी लंबी डिबेट है, इसको छोड़ दो। इंडिविजुअल लेवल पे बैक टू द टॉपिक, कर्टेसी एंड एंड जो हमारा है कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, उसके ऊपर आ जाते हैं, कर्टेसी के ऊपर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट रिचार्ज माय मोबाइल, आई थिंक आई एम रनिंग आउट चार्ज। ओके ओके, अच्छा तो जी डॉक्टर अर्शद, बताइएगा कि जो हम जहाँ पे एग्जांपल्स को कोट कर रहे थे, तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं कि जो एक पेशेंट इमेज बिल्डअप करता है, ठीक है, और उस उसके ऊपर ही आगे सिनेरियोस बिल्डअप होते हैं उसके, एंड देन परसेप्शन भी बिल्डअप होती है उसका, एटीट्यूड, आई थिंक यही टाइम होता है जो एटीट्यूड बिल्डअप होती है पेशेंट की, whether it is negative, natural, or constructive, or you know, sort of jo attitude hai, to uska bhi behavior bhi waise hi up hota hai. Aasif bhai, ho ye raha hai ki basically yahi jo hum barriers discuss kar rahe hain, communication barrier ki wajah se hamare jo patients hain un tak factual information pahunch nahi rahi. Wo kahan se information phir collect kar lete hain? Net se collect karte hain. मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। I have lot of patients जिनको सिंपल हेडेक जो होती है, and they are searching on Google, on top priority they are looking at brain tumor, and they are coming, जी मुझे तो कैंसर हो गया, मुझे ये जो जो सर दर्द होती है ना, ये कैंसर ही। अब कौन एक्सप्लेन करेगा उसे? You should have to give him time. मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन मरला पता कौन सा होता है सर? To explain a patient of IBS, what is your disease? मैं पता नहीं कितना टाइम लगा देता हूँ उसको आईबीएस समझाने में,
और फिर भी पेशेंट नहीं समझता, क्योंकि वो समझने वाली चीज ही नहीं है। अब उसको कौन क्या समझाएगा, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करता है? वो हकीम साहब से भी कलेक्ट करता है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर, क्योंकि वो देखें वो क्योरेबल, और मतलब कि ऐसी कोई डिजीज नहीं है जिसको प्रॉपरली क्योर किया जा सके, इट विल हैव रिकरेंट सॉर्ट ऑफ बाउट्स। अब वो हकीमों के पास भी जाएगा, डिफरेंट स्पेशलिस्ट जो हैं उनके पास जाएगा, होम्योपैथिक्स को भी ट्राई करेगा, सन्यासी बाबा जान उनको भी ट्राई करेगा। तो जब उसको हर बंदा मुख्तलिफ चीज बताएगा तो ऑटोमेटिकली पेशेंट के अंदर एक बहुत लंबी चौड़ी डिफरेंशियल्स की लिस्ट बनती जाएगी, तो पेशेंट मेरे डायग्नोसिस पे रिलाय नहीं करेगा। सही, ये जो बैरियर है, अगर मैं इनिशियली उसको बैठूं और बताना शुरू कर दूं कि आपकी डिजीज जो है ये है और इसमें ये डिफरेंशियल हो सकते हैं, मैं इस बेस पे आपके टेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। आजकल जो गंदी प्रैक्टिस हो रही है, देखिए मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं उसको क्यों शेयर कर रहा हूँ कि मैं इस कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए। पेशेंट आता है मुझे अपर जीआई, लाइक मैं कहता हूँ जी कि मुझे पेन है, एब्डोमिनल पेन है, स्टमक पेन है, और मैं उसको इतनी इन्वेस्टिगेशन, एलएफटीज करवाओ, एमआईएलएस करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन लिख के दे देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे बनती है? व्हेन यू हैव प्रॉपर डिफरेंशियल इन योर माइंड, यू हैव एक्सक्लूडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड रिमेनिंग टू डिफरेंशियल इन योर माइंड, दैट इज योर टॉप डिफरेंशियल, यू शुड हैव टू डिग इट आउट। आपने एक पेशेंट को जब वो एपिगेस्ट्रिक पेन के साथ आया और उसके सारी इन्वेस्टिगेशन लिख दी, तो आपने ये समझा कि यार इन्वेस्टिगेशन आएगी, देख ही लेना उसमें क्या है। यार इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी, इट्स बेसिकली एक्चुअली यू आर नॉट सिंसियर विद योर पेशेंट। और जब वो इतने टेस्ट करवाने के बाद भी आप उसे कहेंगे कि नहीं मेदे का मसला है, कोई मसला नहीं है, आप मेडिसिन खाओ तो ठीक हो जाएगा, पेशेंट्स और ये जो बैरियर बनते जा रहे हैं, पेशेंट्स के अंदर जो रेजिस्टेंट होती जा रही है अगेंस्ट डॉक्टर, ये सारी चीजें आती जा रही हैं। इसमें मुझे खुदा जानता है ये कोविड की वजह से, मैं आपको बताऊं, अभी लोगों ने, मैं आपको कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस सेशन में कि फॉल्स नेगेटिव का किसी ने बताया ही नहीं है पेशेंट्स को। और मैं हैरान हूँ उस फेसबुक वाले नौजवान की वीडियो पे कि वो आगा खान उसकी लैब में जाके उसको शोर कर रहा था कि जी नेगेटिव आ गया और वो पॉजिटिव आ गया। अगर किसी ने कम्युनिटी में ये बताया होता कि हमारा जो पीसीआर है इसमें 20-30% फॉल्स नेगेटिव भी होता है, और ये एक्चुअल फिगर है, ये पूरी दुनिया में यूज हो रही है, 60-70% पॉजिटिव केसेस हमारे होते हैं, उनमें सिर्फ ब्लड टेस्ट पे रिलाय नहीं किया जाता। आप क्या समझते हैं कि क्या हम इस चीज को, इस चीज से घबराते हैं कि हमने अगर इंफॉर्मेशन को दे दी तो वो एनेबल्ड हो जाएंगे? वो घबराते नहीं सर, नहीं घबराते नहीं है, आप टाइम ही नहीं देते। अच्छा, बेसिकली आपको पता है भी तो आप टाइम नहीं देते। दूसरी चीज ये है कि नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा हैं, आई डू रियलाइज हमारा फिल्ट्रेशन और ट्राइजिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट आपके पास आ भी जाता है तो एटलीस्ट यू शुड गिव हिम सफिशिएंट टाइम। जब आपको पता चल गया कि उसको नॉन कार्डिक पेन है और आप जाके टेबल पे बैठ जाते हैं, तो उसके अटेंडेंट्स आके आपके साथ लड़ाई करते हैं या मारपीट करते हैं, तो उसकी रीजन यही है कि आपको तो पता है, लेकिन यार उनके रिलेटिव्स को तो किसने नहीं बताया ना कि इसको कार्डिक पेन नहीं है, तो लड़ाई की वजह तो यही बनेगी ना। मैं आपको एक अब बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन मोर देन 14-15 इयर्स, मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा था 13-14 साल प्रैक्टिस किए, और मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई पेशेंट मारने आया हो। मैंने जिना हॉस्पिटल में भी काम किया, मैंने पिम्स में भी काम किया, और बहुत सारी सऊदीया में भी काम किया है, ठीक है, एंड जो हमारे क्लिनिक्स हैं यहाँ पे कुछ प्राइवेट, उनमें भी काम किया है। सो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है कि पेशेंट ने कहा हो कि डॉक्टर साहब आप उठें ताकि हम आपकी पिटाई करें, ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ मैं ये सब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हमारे डॉक्टर साहबान बहुत अच्छे भी हैं, वो बहुत अच्छे हैं इंफॉर्मेशन देते, लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे केसेस अभी बढ़ते जा रहे हैं रेजिस्टेंस के, उनके पीछे यही सबसे बड़ी रीजन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर है, पेशेंट तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हो जाती है और पेशेंट फिर इस एक्सट्रीम लेवल पे रिवेंज सॉर्ट ऑफ थिंग पे आ जाता है। फिर हमारा मीडिया कुछ हमें नेगेटिव शो करता है, वो सारी चीजें उनके जेहन में होती हैं, कुछ वो डायग्नोसिस जेन में बना के आए होते। तो मेरी मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने जूनियर डॉक्टर साहबान से, हाउस ऑफिसर से, मेडिकल ऑफिसर से, जो ट्रेनीज हैं, इवन जो जीपीज हैं हमारे, कि प्रॉपर टाइम जब आपके पास एक पेशेंट है तो वो आपकी प्राइम प्रायोरिटी है जो आपके सामने बैठा है, आप उनको ना देखें जो पीछे 15 खड़े हुए हैं जो वेटिंग लाउंज में,
आप एटलीस्ट उसको प्रॉपर टाइम दें। ऐसे ही हुआ करती करती थी कि मैं एक दफा मेरे जो रिसेप्शन के लोग थे वो उठ के आगे के ये 5-10 मरीज जो है वो बैठे हुए हैं, और वो एक पेशेंट भी उठ के आ गया मेरे पास। तो वो मतलब थोड़ा सा मुझे कहना है कि डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी करो जी, असीब जो है ना असीब चेक कराना आए थे। मैं कहा बिल्कुल भाई आपको चेक करेंगे, आपको ज्यादा अगर कोई खुदा ना हादसा ज्यादा इमरजेंसी है तो वी हैव हमारे पास इधर बड़ा हॉस्पिटल भी है, आप उधर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके यानी आपको कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, कोई ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, तो इस पेशेंट को जितना मैं टाइम दे रहा हूँ उतना ही टाइम आपकी मर्ज को दूंगा कि जो उसका हक होगा। तो देखिए ये जरूरत है आसिफ, ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल एफर्ट की जरूरत है, इंडिविजुअल एफर्ट की जरूरत है। हर डॉक्टर को अपने अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी है, उसको प्रायोरिटाइज करना है, उसको ट्राइजिंग खुद करनी है कि पेशेंट को कितना टाइम देना है। और ये डिपेंड करता है पेशेंट के एटीट्यूड पे भी। आपके पास एक वेल लिटरेट पेशेंट आया है जो पढ़ा लिखा है, उसको आइडिया है, और वो आया है और वो आपके आपने उसको दो मिनट लगाए कि यार आई डोंट थिंक सो इट्स अ कार्डियक सॉर्ट ऑफ पेन, मैंने आपकी ईसीजी कर ली, आपके ट्रोपोनिन लेवल्स करवा लिए, यू आर नॉट फीलिंग लाइक दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इट लुक्स टू मी मस्कुलर, अगर आप ये दो दिन मेडिसिन खाएं, इफ यू फील्स बेटर देन इट्स क्वाइट फाइन, अदरवाइज आई कैन जस्ट रेफर यू टू कार्डियोलॉजी सॉर्ट ऑफ क्लिनिक, तो ही विल अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप इलिटरेट पेशेंट के साथ ही, मैं इलिटरेट नहीं कहता, जिसको आइडिया नहीं है एटलीस्ट कि चेस्ट पेन के उसके जहन में बहुत सारी चीजें या उसके बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, पुअर नॉलेज है जिसका कम कम इल्म है जिसको, और दूसरी चीज आ जाती है उनके उनके एक्सपीरियंसेस गलत हैं। चेस्ट पेन थी वालिद को, चाचा को चेस्ट पेन थी, रस्ते में आके उनकी एक्सपायरी हो गई, सिंपल चेस्ट पेन को मस्कुलर बना दिया गया, क्वैक्स ने उनको डाइक्लोफेनिक लगा दिया, और मतलब बहुत से बिटर एक्सपीरियंसेस है लोगों के। तो वो एक्सपीरियंस उनके जहन में घूम रहा होता है, और कोई भी चेस्ट पेन होती है तो वो उसको वही उसी जमन में कंसिडर करते हैं। एक एक लास्ट नुक्ता जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि ईगो ईगो जो है वो हम कहीं उसको टॉप प्रायोरिटी पे रख देते हैं कि क्योंकि मैं डॉक्टर हूं और अगर मैंने इस पेशेंट को कोई दवाई ना लिख के दी और या हम मैंने उसको कोई और एडवाइस ना की, क्यूरेटिव टर्म ऑफ रेफरेंस में बात कर रहा हूं, तो अगर मैंने सिर्फ इसको बातचीत के लिए कर दिया तो शायद मेरी ईगो हर्ट होगी या मुझे इन्फीरियरिटी होगा। तो बिलीव मी, मैं अपनी आपको एग्जांपल दूं कि आई नेवर डिड दिस काइंड ऑफ थिंग कि मैंने कभी इसको अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। अगर मुझे बीमारी का समझ नहीं आ रही और मुझे मैंने उनको बिल्कुल एक्सक्यूज कर दिया, मैंने कहा नहीं जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मैं एक्सक्यूज करता हूँ, आप दो मिनट वेट करें यहाँ पे, मैं अपने किसी सीनियर कुली को बुला के लाता हूँ या अपने किसी सीनियर से डिस्कस कर लेता हूँ और देन आपको ये चीज आसिफ बात वहाँ पे ही है कि ईगो इज अ सॉर्ट ऑफ थिंग कि हमने जब MBBS कर लिया तो हमें लगता है कि हमें हर चीज का पता है। उसकी एग्जांपल पता है क्या है सर, किसी को कोरोना का नहीं पता था जबकि ये पैथोलॉजी में था, आज जो डॉक्टर साहब बात कर रही थी क्यों नहीं पता था, वी डिडंट गिव इट लाइक सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, हमारी प्रैक्टिस में नहीं था। अब जब आपकी प्रैक्टिस में कोई चीज नहीं है तो आपको ऑटोमेटिकली मदद चाहिए, आइदर आपके सीनियर कोलीग्स की, आइदर बुक्स की, आइदर रिफ्रेशिंग योर नॉलेज, क्लिनिकल गाइडलाइंस अपडेट्स क्या हैं, ये तो आपको कंटिन्यूस एक प्रोसेस में रहना पड़ेगा। इस पूरी लाइफ में आपको कंटिन्यूटी में रहना पड़ेगा, स्टडीज के साथ रिलेटेड रहना पड़ेगा, आपको अपने सीनियर्स के साथ वो उस कन्वर्सेशन में रहना पड़ेगा। ईगो इज नॉट कि अगर कोई पेशेंट मेरे पास आया तो मैंने उसको मेडिसिन लिखनी ही लिखनी है, अदरवाइज वो क्या समझेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, यार ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है। इसके लिए हमें प्रॉपर एक जो है ना वो पूरे एथिक्स के लेक्चर्स चाहिए, हमें पता है, हमें कहीं ना कहीं ये इन चीजों का आइडिया है हर डॉक्टर साहब को, लेकिन फिर हम उस सोसाइटी की उस जहाँ पे वो जिस साइड पे चल रहा है वो उसी साइड पे हम चलना शुरू कर देते हैं, किसी ना किसी को रेजिस्ट करना पड़ेगा। और जब हम ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, मैं ये समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग है और वो इसको चीज को समझेगी। जब आप उसे कहेंगे ना जी कि ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, तो वो आपसे जरूर पूछेंगे जी फिर कौन बताएगा, यू हैव टू गाइड। जब आप उसे ये कह देंगे मैं नहीं बता,
फिर यहाँ पे मामला रेजिस्टेंस पे आ जाए। ठीक है, ओके, आई थिंक हम कंक्लूड करने लगे हैं सेशन को। तो नाजरीन, ये है कि जो मेडिसिन है वो अल्फाबेट तो शायद ए बी सी से स्टार्ट होते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक मेडिसिन की जो अल्फाबेट्स हैं वो पी से स्टार्ट होते हैं, और वो थोड़े से ऑर्डर्ड जो है उनका है। ये पी फॉर प्रमोशन, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन और एजुकेशन, और उसके बाद उसकी अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट और प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, एंड देन क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो है वो उसका है, एंड देन रिहैबिलिटेशन। तो ये इसके पैरामीटर्स हैं। बीइंग एज अ हेल्थ केयर फिजिशियन, हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हमारा जो प्राइमरी एंड मेन टास्क है वो हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन होना चाहिए, और उसकी जो प्रेवलेंस है वो हमें कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। हमारा फोकस जो होना चाहिए वो पैनाडोल लिखने के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। मैंने किसी जगह पढ़ा कि वो डॉक्टर वो अच्छा डॉक्टर नहीं है कि जो दवाई लिखता जानता हो या दवाइयों की मिकदार बढ़ा दे। डॉक्टर वो बेहतरीन डॉक्टर है कि जो उनको कम करना जानता हो और मरीज को बगैर किसी दवाई के ठीक कर दे। और इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी मुस्कुराहट है। आप जब भी मरीज आए आप मुस्कुराएं, और मुस्कुराहट से वो 90% तो ठीक हो जाएगा। और ये मेरे वालिद साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो उन्होंने कहा कि बेटा 10% मरीज को दवाई की ज़रूरत है, 90% तुम्हारी मुस्कुराहट की ज़रूरत है। तो मेरे इस बात को हम यहाँ पे कहते हैं कि मरीज आप को रजिस्टर्ड करता है, आपका अकाउंट भी खुलता है, और आप उसके बैंक के अंदर एक हजाने के तौर पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, और अब आपका बैलेंस नेगेटिव जाता है या पॉजिटिव, ये आपके अखलाक, आपका किरदार, आपकी गुफ्तार और इसके साथ आपकी जो ताल्लुकात हैं वो बताते हैं कि वो कितना पुर असर और देरपा होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर अरशद जमील साहब का बहुत मशहूर हूँ, और आप सब जो इस वीडियो को देखेंगे, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। तो पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करें, और ना सिर्फ गुड क्लिनिशियन बने बट गुड कम्युनिकेटर बने। अस्सलाम वालेकुम। बेशक।